महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के मुदखेड़ में एक बार फिर अवैध रेत ले जा रहे 10 ट्रक को जब्त किया गया है। जब्त किए गए रेत की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर दूसरे पुलिस के छापे में जुआ खेल रहे 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी पुलिस ने ऐसे ही कार्रवाई की थी जहां करोड़ों रुपए के रेत जब्त किए गए थे। पिछले बार की तरह इस बार भी यह कार्रवाई उमाकांत चिंचोलकर ने ही की है। नांदेड़ से कालिदास की रिपोर्ट।